So hey, what's up guys, welcome back to the channel everyone. IPL 2020 ka match number 54, Kolkata Knight Riders versus Rajasthan Royals. Rajasthan Royals ki team ne toss jeet kar bowling karne ka faisla kiya aur dono hi teams ki playing 11 aap abhi apni screen pe dekh pa rahe honge. Baat kare Kolkata Knight Riders ki taraf se, Shubman Gill aur Nitish Rana opening karne utre, jahan par pehla wicket bahut jaldi gir gaya. Mehaj dusri ball pe pehla wicket gir gaya, Nitish Rana duck pe out hue, jo Pracharya ki shandar ball thi Nitish Rana ko. Uske baad Shubman Gill और राहुल त्रिपाठी दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप पनपी, 72 रन की वो पार्टनरशिप थी, वहां पर विकेट गिरा शुभमन गिल का. बड़े शॉट मारने के प्रयास में राहुल टेवटिया ने इनका विकेट चटकाया, 24 बॉल में 36 रन. शुभमन गिल एक अच्छी पारी खेल के गए. उसके बाद सुनील नारायण आए, नारायण ने दो बॉलें खेली, 0 रन बनाए, राहुल टेवटिया ने इनका भी विकेट लिया. उसके बाद राहुल त्रिपाठी और कप्तान ओइन मॉर्गन दोनों यार थोड़ा सा ही पार्टनरशिप को बना पाए, 20 रन की लगभग पार्टनरशिप थी, वहां पर विकेट गिर गया राहुल त्रिपाठी का, 34 बॉल में 39 रन राहुल त्रिपाठी ने मारे, श्रेयस गोपाल ने इनका विकेट लिया. इसके बाद दिनेश कार्तिक आए, दिनेश कार्तिक पहली ही बॉल पे आउट हो गए, फर्स्ट बॉल डक, राहुल टेवटिया ने इनका भी विकेट लिया, तो टेवटिया ने तीन महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. उसके बाद आंद्रे रसल बिल्कुल प्योर फॉर्म में थे, रसल ने 11 बॉल में 25 रन मारे, तीन बड़े बड़े छक्के शामिल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्तिक त्यागी ने इनको आखिरी में आउट करा. लेकिन रसल बहुत अच्छी फॉर्म में थे, थोड़ा और खेल जाते तो काफी मजा आता. कप्तान ओइन मॉर्गन की बात करें तो ओइन मॉर्गन आखिरी तक नॉट आउट रहे, 35 बॉल में 68 रन ओइन मॉर्गन ने मारे, 6 छक्के शामिल है इस पारी में और 5 चौके. शानदार पारी कप्तान ओइन मॉर्गन ने खेली, बिल्कुल कप्तानी पारी. आखिरी में पैट कमिंस ने भी आके 11 बॉल में 15 रन मारे और कमलेश नगरकोटी ने एक बॉल खेली, 1 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर में 191 पे पहुंच गई है. 192 के लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी राजस्थान रॉयल्स के ओपनर रॉबिन उथप्पा और बेन स्टोक्स. बात तो अच्छी रही, पहले ओवर में आए 19 रन, लेकिन पहले ओवर में आया विकेट रॉबिन उथप्पा का. रॉबिन उथप्पा ने दो बॉलें खेली, 6 रन बनाए, पैट कमिंस ने इनका विकेट लिया. स्टीवन स्मिथ आए, स्टीवन स्मिथ गए, 4 बॉलें खेली, 4 रन बनाए, पैट कमिंस ने इनका भी विकेट लिया. संजू सैमसन भी आउट हो गए, 4 बॉल में 1 रन संजू सैमसन ने बनाए, शिवम मावी ने इनका विकेट लिया. बेन स्टोक्स अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 11 बॉल में 18 रन बना लिए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो भी आउट हो गए, पैट कमिंस ने इनका भी विकेट लिया. और रियान पराग आए, रियान पराग ने 7 बॉले खेली और 0 रन बनाए, पैट कमिंस ने इनका भी विकेट लिया. तो पैट कमिंस ने 4 विकेट पावर प्ले में चटक लिए थे और कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ज्यादा आगे आ गई थी गेम में. अब उसके बाद जॉस बटलर और राहुल तेवटिया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए. यहां पर विकेट गिरता है जॉस बटलर का. बटलर ने 22 बॉल में 35 रन की एक शानदार पारी खेली जरूर, लेकिन वो आगे ज्यादा रन नहीं बना पाए. वरुण चक्रवर्ती ने इनका विकेट चटका. राहुल टेवटिया ने 27 बॉल में 31 रन बनाए, वरुण चक्रवर्ती ने इनका भी विकेट लिया. श्रेयस गोपाल खेल रहे थे ठीक ठाक, वो भी क्या ही कर सकते थे, आखिरी में 22 रन उन्होंने मारे. जोफ्रा आर्चर ने 9 बॉल में 6 रन बनाए, तो ठीक है, मतलब अब क्या ही कर सकते थे. टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया, पावर प्ले में बहुत सारे विकेट गिर गए और यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिल चुकी है. एक बड़ी जीत है ये जरूर, लेकिन अब देखते हैं नेट रन रेट कैसा क्या आगे खेल में आता है. मेरी तरफ से आज के यही वीडियो थी. ये मैच के बाद की पॉइंट्स टेबल अपडेट जल्दी से आने वाली है, देन हाफ एन आवर पॉइंट्स टेबल अपडेट आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल से रख देना. मैं अर्जित जैन आपका दोस्त, मिलूंगा आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.